हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, यहां पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अभी का एकदम ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इस हफ्ते का इम्पोर्टेंट टॉपिक। और कौन से टॉपिक की हम बात करने वाले हैं? तो दोस्तों वो है अमेरिका से जुड़ा हुआ। यस, बहुत सारे लोगों को पता चल गया, हम बात करने वाले अमेरिका में जो अभी हम लोग को 5 नवंबर को इलेक्शन होते हुए देखने को मिलने वाले, उससे रिलेटेड। एंड आप सभी लोगों को पता है दुनिया की नंबर वन इकोनॉमी है, उनके नंबर्स कैसे, मतलब रिजल्ट्स कैसे आते हैं, कौन चुनकर आता है कौन चुनकर नहीं आता है, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली पूरे दुनिया भर के बाजार के ऊपर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका, जैसे मैंने कहा कि दुनिया की नंबर वन इकोनॉमी है, दुनिया भर में इनका पैसा हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो पैसा निकाला जाता है या फिर और इन्फ्लुएंस यहाँ पे किया जाता है, वो उनके इलेक्शन के रिजल्ट के हिसाब से हम लोग को देखने को मिल जाता है। प्लस उसी के साथ साथ आपके मल्टीपल डाउट्स भी होंगे, वो भी इसी वीडियो में कवर यहाँ पे हो जाएंगे। सो सबसे पहले बेसिक्स के साथ ही स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बेसिक के लिए 20-30 सेकंड में ही हो जाएगा। सो अमेरिका में देखा गया तो दो ही बड़े पार्टीज देखने को मिल जाती है, एक है रिपब्लिकन्स और दूसरा है डेमोक्रेट्स। ठीक है, उसका लोगो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सो अभी फिलहाल आप सभी लोगों को पता है फाइट किसके बीच में है, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस। पहले जो बाइडन थे, जो बाइडन की पॉपुलैरिटी बहुत ही खराब देखने को मिल गई, फिर उन्होंने खुद से ही विड्रॉ कर लिया और कमला हैरिस को उन्होंने बोल दिया कि भाई अभी ये चुनाव यहाँ पे फाइट करेंगी। सो अगर हम लोग रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स की बात करें तो सबसे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी पार्टी कौन सी है? उनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। एंड नहीं पता है तो चलो कोई बात नहीं, पता चल गया। एंड कमला हैरिस की पार्टी की बात करें तो ऑब्वियसली कौन सी रहेगी? फिर डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो ये पॉइंट्स अगर आपको पता होंगे तो ही जाके आगे की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, मतलब इसके पहले भी इलेक्शन हुए थे कि नहीं, ज़्यादा दूर नहीं, 2016 का ही डिसीजन यहाँ पे देख लेते हैं। 2016 में अगर हम लोग बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस हिलेरी क्लिंटन, ये फाइट देखने को मिली थी। और जीता कौन था? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी के वो जीते थे। मतलब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप जीते थे, ठीक है। फिर अगेन 4 साल के बाद इलेक्शन 2020 आया था, कोविड का समय, तभी भी देखा गया डोनाल्ड ट्रंप ही हम लोग को देखने को मिल रहे थे फाइट करते वक्त अगेंस्ट जो बाइडन। एंड उस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो कौन जीता था? यस, डेमोक्रेटिक जीते थे, मतलब जो बाइडन की पार्टी यहाँ पे जीती थी। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, एक जगह पे डोनाल्ड ट्रंप जीते थे, एक जगह पे डोनाल्ड ट्रंप हारे थे, और वीकेंड से एक जगह पे डेमोक्रेटिक पार्टी हारी थी, एक जगह पे डेमोक्रेटिक पार्टी चुनकर आई थी, या फिर आप चाहो तो बोल सकते हैं रिपब्लिकन हारी थी, रिपब्लिकन चुनकर आई थी। एंड उसके बाद मार्केट आप देख सकते हैं, डाउ जोन्स आप देखो इतने लंबे समय का परफॉर्मेंस, ठीक है, उसी के साथ साथ निफ्टी देख लो इतने लंबे समय का परफॉर्मेंस। ये पहला प्रवचन मैं आपको क्यों दे रहा हूँ भाई, चुनकर कोई भी आए लॉन्ग टर्म में ठीक है, इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मैंने क्या बोला है, लॉन्ग टर्म में, ठीक है। हाँ, शॉर्ट रेंज में भाई बाजार डांस करेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें चीज़ें मैनेज आउट हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई भी चुनकर आ जाए कि भाई ये कंट्री तो मुझे पसंद ही नहीं, इसके साथ तो मैं काम ही नहीं करूँगा, सब कुछ बंद ही कर दो, ऐसा नहीं होता है। छोटे मोटे रिस्ट्रिक्शन डालते, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है, ठीक है, तो ये पॉइंट समझो। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप अगर चुनकर आए तो ऐसा ऐसा मार्केट ऐसा ही चलेगा, एंड अगर हार गए तो सब कुछ ही खत्म, जीरो ही हो गया करके, नहीं, वो छोटा सा एक उस टाइम के लिए रिएक्शन यहाँ पे रहता है, बाद में चीज़ें बैक टू द नॉर्मल लाइफ हो जाती है। लास्ट टाइम भी डोनाल्ड ट्रंप हारे थे ना, सबको लगा था ऐसा ही कि सब कुछ खत्म करके, क्या खत्म हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, वो एक थोड़ा सा फेज रहता है, उसमें वो चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। मतलब ये पहला पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए, बाजार में अगर आए ना तो याद रखो बाजार किसी एक व्यक्ति के चलते नहीं चलता है, ठीक है, बाजार में बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स के चलते ही बाजार यहाँ पे चलता रहता है। देन बहुत सारे और भी आपके डाउट्स है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, नो डाउट। तो स्टार्ट कर लेते, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की बात कर ले एंड कमला हैरिस की बात कर ले, एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, तो दिमाग में यही चलता है कि कौन चुनकर आएगा तो हमें फ़ायदा होगा करके, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप इसके पहले चुनकर भी आए थे तो उनका इतिहास हमारे पास अवेलेबल है, 2016 में वो जब आए थे तो उन्होंने क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था, ठीक है, किसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाले थे, किसके ऊपर टैक्स बढ़ाया था, ठीक है, ये सारा डेटा अवेलेबल है। एंड कमला हैरिस की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा कुछ ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं, उनका एक पार्टी का हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है, तो ये एक फ़र्क है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड आपको ज़्यादा डेटा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते पहले तो डोनाल्ड ट्रंप के ही साथ, कि उन्होंने 2016 के मुताबिक जो चीज़ें की थी
उसी को बेस लेकर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है अभी? ये तो कोई गारंटी नहीं है, 2016 में उन्होंने ये चीज़ें की थी, सेम 24 में भी उनकी पॉलिसी वही रहेगी करके, क्या पता वो चेंज भी कर दें, बट फिर भी उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर चुनकर आए तो भाई सबसे पहला तो उनका 36 का आंकड़ा है चाइना के साथ, ठीक है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से, वो तो अपने स्पीच में भी बोलते रहते हैं, ठीक है, चाइना के ऊपर सीधा मतलब वो टैरिफ लगाना स्टार्ट करते हैं, ट्रेड वॉर ही स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे लोगों को याद भी आया होगा, ठीक है, कि कैसा किस लेवल का ट्रेड वॉर स्टार्ट यहाँ पे हो चुका था, मल्टीपल टैक्स लगा देते हैं चाइना से रिलेटेड जो भी गुड्स अमेरिका में आ जाते हैं उससे रिलेटेड, एंड खास करके अगर कोई पिटता है ऐसे सेगमेंट में तो मेटल पिटता है, मतलब इसके पहले हम लोगों ने इतिहास में देखा था डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन चाइना के ऊपर डाले थे, मेटल सेक्टर के तो भाई खून के आंसू निकले थे, अभी इस वक्त भी ऐसा होगा कि नहीं उसकी तो कोई गारंटी नहीं होती, बट मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ कि ऐसा पहले हुआ था, अभी देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है करके, अगर वो चाइना के ऊपर वापस कुछ प्रतिबंध लगा देते हैं तो मेटल सेक्टर में वापस पिटाई हो सकती है, तो मेटल्स वाले जो कंपनियां रहेंगी अब ज़रूर आप उनको रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकती है। यूएस के इलेक्शन जब भी होते हैं तो हमेशा ये बात बोली जाती है कि भाई मेटल सेक्टर में जा रहे तो थोड़ा सा विचार करके जाना, क्योंकि जो भी चुनकर आएगा देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है करके। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ये कौन सा फ्लैग है, ताइवान, ताइवान से रिलेटेड भी अगर हम लोग बात करें, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के जो स्पीच हम लोग को देखने को मिल जाते हैं तो उन्होंने लिटरली ताइवान से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे बोल के रखे हुए, खास करके सेमीकंडक्टर। नेगेटिव पॉइंट्स मतलब क्या, उन्होंने ये बोल दिया कि भाई ताइवान को सेफगार्ड करते करते किसके, चाइना से बचाते बचाते ताइवान ने तो भाई हमारी सेमीकंडक्टर का बिजनेस ही उठा लिया करके, और हमें मिला क्या, कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। रिसेंटली भी अभी उन्होंने जो स्पीच यहाँ पे बोली थी उन्होंने यही बोला, ट्रंप ने आरोप लगा दिया ताइवान ऑफ स्टीलिंग अमेरिका का चिप इंडस्ट्री, चिप मतलब सेमीकंडक्टर का बिजनेस, ठीक है, एंड वो भी मतलब कैसे फ्री मतलब कैसे बोलना होता है कि अगर हम रक्षा कर रहे हैं ना आपकी चाइना से तो भाई आप हमें पैसा दे दो कुछ तो, ठीक है, डिफेंस प्रोटेक्शन की तरह, ठीक है, आप यहाँ पे प्रोटेक्शन भी ले रहे हो, आप मस्त यहाँ पे बिजनेस भी कर रहे हो, हमारा चिप का बिजनेस भी लेकर आप चले गए, ठीक है, तो ताइवान वाले तो भाई ये कहते होंगे कि भाई अगर ट्रंप वापस अगर आ गए यहाँ पे चुनकर तो हमें मतलब बहुत बड़ा झटका यहाँ पे लग सकता है, सेमी कंडक्टर जो इंडस्ट्री रहेगी उसको झटका लग सकता है, जो उनकी सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है, TSMC की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसमें भी हम लोग को ट्रंप का जब भी स्पीच पहली बार हुआ था ज़बरदस्त हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी, मतलब अगर ट्रंप चुनकर अगर आए तो सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस है एशियन बाजार का उसको वो डिस्टर्ब करवा सकते हैं, ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रशिया यूक्रेन फाइट कब से जारी है, देखिए अमेरिका और रशिया हमेशा एक दूसरे के विरोधी ही रहने वाले हैं, ठीक है, बट ट्रंप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ट्रंप ने मतलब ये चीज़ें बोली जा रही है, चीज़ें चल रही है बाजार में कि वो रशिया यूक्रेन की वॉर को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो ज़्यादा फोकस रहेगा भाई वो चाइना की ओर, तो एक होप क्रिएट हो जाती है, ठीक है, एंड बीच में उन्होंने तो ये तक बोल दिया था कि भाई ये जो वॉर चल रही है उसके पीछे रीज़न था जेलेंस्की ही, ठीक है, यूक्रेन के वजह से ये दिक्कत यहाँ पे हुई थी करके, सो उन्होंने यही बोला था कि हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इनके वॉर को रुकवा सकते हैं करके, ठीक है, अभी होगा नहीं होगा वी डोंट नो, पॉलिटिशियंस तो ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स यहाँ पे देते रहते हैं, बट अगर ऐसा हुआ तो भाई हमारे लिए बहुत अच्छी खबर रहेगी, बिकॉज क्रूड ऑयल कुछ हद तक शांत और हो सकता है, ठीक है, 65 के रेंज पे आ सकता है, 70 के नीचे जा सकता है, इसके आप एक थोड़ी सी उम्मीद रख सकते हो, ठीक है, अभी होगा नहीं होगा उसके लिए तो भविष्य में ही देखना पड़ेगा, बट अगर ऐसा हुआ ट्रंप अगर चुन के आए तो डेफिनेटली ऐसी कुछ होने के चांसेस रहेंगे, आप फिंगर थोड़ा क्रॉस रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आईटी सेक्टर, ये तो भाई हमेशा रडार पे रहता है, बिकॉज आईटी सेक्टर के जो रेवेन्यू होते हैं 50% से ज़्यादा तो भाई अमेरिका से ही निकल कर आते हैं, सो जो भी जीतकर आएगा उसके आईटी के पॉलिसीज क्या रहेंगे वो देखने वाली बात है। अभी इसके पहले जब ट्रंप चुनकर आए थे आईटी के जो पॉलिसीज उनके जो थे वो थोड़े से सख्त थे, ठीक है, खास करके अगर हम लोग बात करें कि जो बाहर के लोग जो उनके देश में वहाँ पे जाते हैं काफ़ी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, पूरा प्रतिबंध तो कोई नहीं लगाता है बट यस एकदम इजीली एंटर करना फिर मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। वहीं पे अगर हम लोग डेमोक्रेट की बात कर ले, ठीक है, वो थोड़ा सा इस चीज़ में काफ़ी सपोर्टिव नेचर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट रेट कट, यस कट नहीं बोलना चाहिए, इंटरेस्ट रेट को लेकर अभी डोनाल्ड ट्रंप की बात करें वो तो सीधा मतलब यहाँ पे भड़क ही गए कि भाई इतना लेट कर दिया इंटरेस्ट रेट को कट करने के लिए, अभी रेट कट नहीं करना चाहिए था करके ये उन्होंने बात यहाँ पे बोली थी, ठीक है, एंड पॉवेल को भी उन्होंने बहुत कुछ अनाप शनाप बोला था, आप चाहो तो गूगल करके यहाँ पे देख सकते हो करके। मुझे ऐसा लगता है भाई ट्रंप अगर आ गए तो पॉवेल जी खुद ही रिजाइन कर देंगे तो ठीक ही रहेगा, वरना तो भाई वो तो लग रहा है ऐसा कुछ उनको निकाल भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इन दोनों की बनती है नहीं, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। वहीं पे अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट की बात कर ले तो कमला हैरिस ने तो ये बात बोल के रखी हुई है कि हम एकदम सही दिशा में जा रहे हैं, फेड ने काफ़ी अच्छा काम किया है, देखो जिसकी सरकार होती है वो उसी हिसाब से ही बात करेगा, एकदम परफेक्ट सब कुछ चल रहा है,
परफेक्ट टाइम पे रेट कट यहाँ पे हुआ है। जैसे ही यहाँ पे चुनाव हो जाएगा उसके बाद के जितने भी मीटिंग्स होंगे, जैसे बोला गया वैसे हम लोग आराम से रेट कट करते रहेंगे और अच्छी तरीके से इकोनॉमी को रन करते रहेंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को ज़बरदस्त बढ़ावा फिलहाल तो यहाँ पे देके रखा हुआ है। देन कुछ अदर फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि एनर्जी सेगमेंट के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा, फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या नए नए पॉलिसीज में कोई वो बदलाव लेकर आते हैं या नहीं, ठीक है, वो क्या प्लस वाले हैं या फिर माइनस वाले हैं, उस हिसाब से हम लोग को डिटरमाइन करना पड़ेगा। देन अगर हम लोग बात करें एग्जिट पोल, ठीक है, अभी एग्जैक्टली तो एग्जिट पोल तो कोई भी कुछ नहीं बता सकता है, बट यस फिलहाल तो बताया जा रहा है कि 1%, ठीक है, 1% अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था दो से तीन दिन पहले कि ट्रंप 1% से आगे चल रहे थे, बट अभी लेटेस्ट फिलहाल बताया जा रहा है कि कमला हैरिस थोड़ा सा 1% अभी आगे निकलते हुए देखने पड़े, एकदम काटे की टक्कर है, 41-42, अभी 43-42 ऐसा हम लोगों को एग्जिट पोल से चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही थी। मतलब क्या एकदम टफ फाइट देखने को मिल रही, गैप ऐसा कोई वाइड नहीं बताया जा रहा है कि इतना भयंकर गैप है करके, एकदम 1% का गैप बताया जा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन चुनकर आएगा ये डिटरमाइन करना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो चुका है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपके सामने रख दिए। मेजर पॉइंट क्या था इसमें, कोई भी चुनकर आ जाए लॉन्ग रेंज में, एकदम लॉन्ग टर्म में, ठीक है, कोई ऐसा बाजार नहीं कि भाई सीधा एकदम क्रैश होके सब कुछ ही खत्म हो जाता है करके, ठीक है, एक शॉर्ट रेंज में हम लोग को वॉलेटिलिटी जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से पता यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। वैसे आपको क्या लगता है कि कौन चुनकर यहाँ पे आ सकता है, तो जरूर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। आशा करता है वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।